में जैसे देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इस शो में तिलोत्तमा की एंट्री हुई है और तिलोत्तमा की एंट्री एक दासी के रूप में हुई है। सडनली कुछ ऐसा होता है कि उनके जो पहले पुराने फेम से होते हैं यानी उनके मंगेतर, उन्होंने उनके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया होता है। तो युवराज को भरी सभा में एक ऐसा सीक्वेंस आता है कि जहाँ पर तिलोत्तमा खुदकुशी करने वाली है तो वहाँ पर युवराज बचाते हैं और उसी दौरान उनकी मांग भर देते हैं, क्योंकि तिलोत्तमा को उसके पुराने मंगेतर ने ये कहा कि भाई तुम तो नगरवधु यानी कि गलत काम करोगे, अब उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो इस चक्कर में युवराज उनकी मांग में अपने रक्त का सिंदूर भर देते हैं। तो इसलिए तिलोत्तमा से शादी का एक सीक्वेंस है और ऐसे टाइम में ध्रुव और तारा 21वीं सदी में गए हुए हैं और ये शादी एक तरह से मजबूरी में हो रही है, क्योंकि एक वाणी जो होती है एक राज परिवार के लोगों की कि भाई हमने ये कह दिया तो हम करेंगे और अपना राज धर्म निभाएंगे, तो बस उसी चीज़ को करने के चक्कर में ये विवाह किया जा रहा है। जिससे हम सभी खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दासी आकर महारानी बनेगी तो ऐसा चल। तो ये जहर का क्या था, मतलब जहर पी रहे हैं आप लोग, शौक भी हो गए हैं उस चीज़ को? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये शादी राजकुमार की अनुसुईया से होने वाली थी और सडनली तिलोत्तमा से शादी हो जाती है, बहुत आनंद फानन में सारा काम होता है। तो ये सब कुछ देख के अनुसुईया को बहुत बड़ा झटका लगता है कि कहाँ वो उनकी शादी राजकुमार से होने वाली थी और एकदम से सडनली तिलोत्तमा बीच में आती हैं शो में और उनकी शादी हो जाती है। तो इस मतलब शौक की वजह से वो जहर पी लेती हैं। आगे की जो स्टोरी है कि उनका ट्रीटमेंट होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी, ये शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, अब कुछ और होने वाला है, नया ट्विस्ट आने वाला है, तो आपको थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा। ध्रुव तारा की बात करें, दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है, टीआरपी भी अच्छी आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, हमारी मेहनत, हम सब की मेहनत, टीम वर्क जो है अब जाकर रंग लाने लगी है और इसकी टीआरपी बढ़ती जा रही है, रेटिंग बढ़ती जा रही है और पब्लिक के द्वारा पसंद भी किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिए ध्रुव तारा। हर दिशा आकाश मिलातिया, आप मुझे देख रहे हैं ध्रुव तारा के सेट पे और हम बात कर रहे हैं सिनेस्पेक में। प्लीज़ देखते रहिए ध्रुव तारा, सुनिए सब टीवी पे और सुनिए नेट पे।